इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी मजे में हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करें, चलिए। ये नाराज हो गया स्पाइडरमैन। अरे बॉस, स्पाइडरमैन क्या हो गया? अरे मेरा बेटा। नो 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 नो। तो दोस्तों, आज है चीकू के पापा का बर्थडे और आज कुछ सेलिब्रेशन का प्लान नहीं था, पर अचानक हमने जो है एक केक मंगाई लिया। हमने कहा चलो सबका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो चीकू के पापा का भी होना चाहिए। चीकू के पापा ने तो मना कर दिया था, इसलिए आज हम चीकू की नानी के घर भी नहीं जा पाए क्योंकि हमारा सेलिब्रेशन का प्लान नहीं था। बट फिर भी हम छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे कर रहे हैं। बोलो गाइस, आज मेरे पापा का बर्थडे है। इधर कैमरे में देख के बोलो। हेलो गाइस, मेरे पापा का आज हैप्पी बर्थडे है। अवतरण दिवस यानी कि जन्मदिन है और वैसे केक काटने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये सरप्राइज में मुझे केक अभी सामने आया है। नो 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 नो। सरप्राइजिंगली मुझे ये केक सामने आज मिल चुका है। कल रात इन्होंने मंगाया था कि कल रात केक कटिंग, बर्थडे का सरप्राइजिंग केक जो कल रात कटना था लेकिन आज कट रहा है। तो देर आए दुरुस्त आए, धन्यवाद जिन्होंने केक मंगाया था। अच्छा इन्होंने मंगाया था, धन्यवाद प्रियंका ने केक मंगाया था, चॉकलेट वाला केक, और ये इस बदमाश का फेवरेट केक है। अच्छा दोनों ने मंगाया, आइडिया दोनों। चलो तो अब जी केक कटिंग करते हैं चीकू के हाथों से। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, तो चीकू कैंडल बुझाओ। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। हैप्पी बर्थडे टू, उसकी नजर तो केक पे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले बनाएंगे तो जी ये हैप्पी बर्थडे मेरे के लगा रहे तुम्हारे बर्थडे। तो बड़े गंदे कर दिए। केक बहुत ही टेस्टी हो रहा है दोस्तों, और ये एगलेस था तो इसलिए हमने लड्डू गोपाल को भी खिलाया। एगलेस केक था। और दोस्तों ये देखो चीकू की ये जो टी शर्ट है ना, ये स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट, ये हमने टी शर्ट प्लेन मंगवा के और इसको प्रिंट करवाया बाहर से, क्योंकि हमारे लड़के को हर कपड़े पर स्पाइडरमैन चाहिए होता है। आप लोगों को ये टी शर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अब बोलो पापा। आई यू के जे पापा। हाँ जी, हमारे पापा, हमारे पापा का बर्थडे है आज। हमने केक, आपने केक केक काटा? हाँ। मेरे को तो दिखा। आपने केक खाया? ये मम्मी है। ये देखिए भाई। अरे का सबको। हाय गाइस। हाय गाइस। हेलो दीदी, कहाँ है दीदी, क्या कर रही? लड्डू पाल की। ये लड्डू पाल है, लड्डू पाल की। क्या मोहब्बत है, क्या नजारा है, कल तलक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है। जीती के मेरे पापा आ चुके हैं। अब बोलो हम बाहर जा रहे घूमने जा रहे हैं बाबा। बाय।
क्या खिला रहा है दीदी को ये बता। लाल तो जी मंदिर जा रहे हैं तो प्रसाद तो लेना ही है। अभी प्रसाद लेने के लिए हम लोग आए हैं अग्रवाल पे। चलो प्रसाद ले लेते हैं। तुम्हारे हो नहीं पैसे हैं मेरे पास। फ्रिज से दूर हटो। नहीं इतना बदमाश है ना ये। पहले इसने आइसक्रीम उठाई, फिर इसने कोल्ड ड्रिंक उठाई, फिर ये उठा लिया इसने पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं मालूम। बस ये पीला सा कलर देख करके एक्साइटेड इतना हो गया कि भाई यही चाहिए बच्चों का ये। तो जी हम पहुंच चुके हैं गोड़िया मठ भगवान श्री राधारमण बिहारी जी के मंदिर में और अभी यहाँ पर माथा टेकेंगे। वैसे हम लेट हो चुके हैं तो ये देखिए आगे आगे चीकू जा रहा है मम्मी और सिस्टर के साथ और ये यहाँ पर ये हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। ये देखिए और अंदर चल रहा है कथा, भगवत कथा कुछ चल रहा है यहाँ पर, कुछ प्रोग्राम हो रहा है। और ये देखिए मैं आप जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को सीधे दर्शन करा रहा हूँ भगवान श्री राधारमण बिहारी जी की। ये देखिए तो जैसे आपको भगवान श्री राधारमण बिहारी जी दिखाई दे रहे हैं, सार में श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु जी दिखाई दे रहे हैं, तो राधे राधे तो बोलना बहुत ज़रूरी है। सबको मेरी तरफ से राधे राधे हरे कृष्णा और भगवान श्री राधारमण बिहारी जी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो जोर से बोलो राधे राधे। अभी हम कहाँ हैं? हम मंदिर में। क्या कर रहे हैं हम? भगवान जी को जय कर रहे हैं। आपने भगवान जी को जय किया? मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू दोस्तों। जैसे कि कल चीकू के पापा का बर्थडे था तो मंदिर में जाके हमने उनके नाम का स्वास्तिना करवाया, उनके लिए पूजा करी गई और उनके नाम के लिए आशीर्वाद मांगा गया प्रभु राधारमण बिहारी जी से और फिर प्रसाद भी बांटा गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जी मंदिर में आए थे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो फूल वगैरह गिरे थे उसे साफ करने का मौका मिला, तो ये भी एक सेवा भाव का ही एक हिस्सा है। ये भी किस्मत होती है कि भगवान जी के मंदिर में ऐसा मौका मिला ये साफ करने का। तो बस ये सिर्फ भगवान जी की कृपा है।
श्री राधारमण बिहारी जी की कृपया, उनका आशीर्वाद है कि सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो जी अब हमने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचे थे। हमारे पहुंचने के 10 से 15 मिनट के बाद जो था वहां पे जो भगवान जी के दर्शन है वो बंद हो गए थे। और हमें आज बहुत अच्छा बहुत बड़ा मौका मिला, क्योंकि परसों, जैसे कि आप लोग को बताऊं, परसों जगन्नाथपुरी जी की यात्रा निकलने वाली है यहाँ पे हमारे मठ से। तो कल यहाँ सफाई का दिन रखा है, कल सब लोगों को, मतलब जो मठ में आने वाले हैं उनको बोला गया है कि आप लोग को समय लगे तो सुबह आप लोग आके सफाई करें, थोड़ी थोड़ी अपनी सेवा दें मंदिर में। तो भगवान की इतनी हम पे आज कृपा थी कि हमको आज ही हमें सफाई का वहाँ मौका मिल गया और हम अपनी सेवा दे आए हैं। सर, भगवान ने जब जो चीज़ हमसे करवानी होती है ना, वो अपने आप ही करवा देता है। उसके लिए कई बार हम लोग को पता ही नहीं होता कि वो मौका हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, पर वो अपने आप ही अचानक से वो हमें मिल जाता है। और अब बज चुके हैं रात के 9:30 और अभी हमारा डिनर नहीं हुआ है। अब हमारे घर जाके बनाने की हिम्मत भी नहीं है, तो इसलिए आज हम बाहर ही खाएंगे। और वैसे भी आज बर्थडे है तो शायद हमें पार्टी वार्टी मिल जाए। क्यों भाई, मिलेगी, मिल रही है पार्टी की नहीं? पता चले हम होटल में जाओ, वहाँ खाना ही बंद हो गया हो। चलो जी जाओ फिर आज को। अरे जा रहे हैं ना, आगे ढूंढेंगे फिर कहाँ पे क्या मिलता है, रेस्टोरेंट कौन सा मिलता है आगे फिर। तो जी बहुत मशक्कत के बाद हमें एक ये वेज रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे। होप सो यहाँ का खाना अच्छा हो, क्योंकि यहाँ तिलक नगर में जो अधिकतर जितने भी रेस्टोरेंट है वो सारे नॉन वेज है, और हमें वेज, प्योर वेज चाहिए था। तो हम लोग इसीलिए बहुत टाइम लग गया हमें रेस्टोरेंट ढूंढने में, और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लेट्स सी यहाँ का खाना कैसा होता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं आपका सिंगलास बेकरी एंड रेस्टोरेंट में, और ये देखिए अंदर, ये आपका शूटिंग एरिया है यहाँ पे। ये प्रियंका बैठी है मैडम, और हमारा छोटा बदमाश। ये देखिए भाई, रेस्टोरेंट अच्छा है यार, ये देखो, और ऊपर शीशे लगे हुए हैं, देखो हम लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं ऊपर। और चीकू महाराज क्या कर रहा है, फोन देख रहे हो आप, खाना नहीं खाओगे? हेलो, इससे कोई मतलब नहीं। तो जी हमारा डिनर आ चुका है, तो डिनर में देखिए क्या क्या आया है। ये आपके लच्छे पराठे, ये पनीर लबाबदार, और ये दाल तड़का, दाल हांडी, और ये देखो लच्छा पराठा। सारे लोग लग गए, तो अब लेते हैं खाने का मजा। और चीकू महाराज यहाँ देख रहे, घर में जैसे कार्टून देखता यहाँ भी वही है, कुछ अलग बदलाव नहीं है। तो जी खा करके बताते हैं स्वाद कैसा है इसका, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार आए। पनीर लबाबदार का स्वाद अच्छा है, दाल तड़के का भी अच्छा है। हाँ जी ठीक है, खाना मस्त बढ़िया। हमारी इस मस्त के लिए कुछ नहीं है। तो जी बढ़िया से खाना पीना हो गया है, जम के और पेट फुला के आ गए हैं आज बाहर फिर से। नहीं हमने इतना सारा ऐसा कुछ, मैंने तो ठूस के खा लिया भाई आज, हमने नहीं खाया सब ठूस के, मजा आ गया जितना हमारी लिमिट, मजा आ गया खाना खाने में। और ये देखो हमारे इस बदमाश ने कुछ नहीं खाया, ओए इन्हें सिर्फ एक खाया गुलाब जामुन। क्यों नहीं खाए भाई, क्या खाया आपने? रोटी के बच्चे, बहुत रोटी खाई आपने। तो जी जैसे कि हम डिनर कर चुके हैं, और डिनर करने के बाद जो है चिकू के पापा ने बड़ा सरप्राइजिंगली आज एक प्लान बनाया कि चलो अब हम जाएंगे रात को 12:30 इसकी नानी के घर, और वहां पर जाके उन्हें सरप्राइज करके केक काटेंगे। तो अब हम सरप्राइजली वहां जा रहे हैं, देखते हैं उनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं वहां जाके, अब वो हैरान होने वाले हैं और हमें डांट भी पड़ने वाली है। चलिए फिर चलते हैं। ये यहाँ हैप्पी बर्थडे, अभी है 15 मिनट, अभी टाइम से बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। अच्छा मैंने किया नहीं था, मैच किया क्या, मैंने अपना फोन देखा, बोलो अपना फोन देखो, मैंने मैसेज भी किया है, फोन भी किया था, भूल गए क्या। तो जी रात के 12:05 है, और जाते जाते
आज के दिन बर्थडे एक बार फिर से मनाया जाएगा, क्योंकि हमने कल रात को 12 बजे नहीं मनाया था, इसलिए आज रात को 12 बजे मनाएंगे मम्मी पापा के साथ। मार दे, मार दे। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, बोल दे हैप्पी बर्थडे टू मी। Happy birthday to you. Happy birthday. तो जी अब हम पहुंच गए हैं घर पर केक सेरेमनी, केक कटिंग करने के बाद, और डिनर भी कर लिया था जैसे कि वीडियो में आपने देखा, और घर पहुंच गए अभी, और खाने को तैयार ही नहीं था। कहता है कि मैं मम्मी का नहीं हूँ, मासी का हूँ। सच्ची भाई आप मासी के हो, मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय, टेक केयर, और बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहाँ पर समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों से लेते हैं विदा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी कमेंट्स करते रहें। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।